नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन से है, जहां दिव्यांग जनों की उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के परिणाम में ओएच यानी ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड अभ्यर्थियों का परिणाम जारी न किए जाने से आक्रोशित ओएच श्रेणी के दिव्यांग जनों द्वारा पिछले 15 जून से धरना दिया जा रहा है, किंतु उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। धरने पर बैठे दिव्यांगों की आशा भरी निगाहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिकी हुई हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सुनील कुमार पालकी की ये खास रिपोर्ट। भर्तियों को लेकर लगातार विवादों में घिरे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मनमानी एवं लापरवाहियों के चलते 2022 में दिव्यांगजनों के लिए निकाली गई लेखपाल भर्ती के फाइनल रिजल्ट में ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड यानी हाथ पैर से दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा इस लेखपाल भर्ती में 309 पदों के लिए 31 जुलाई 2022 को परीक्षा कराई गई थी। इसका फाइनल रिजल्ट 30 दिसंबर 2023 को घोषित किया गया था। लेखपाल भर्ती के फाइनल रिजल्ट में ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड श्रेणी के 122 पदों का फाइनल परिणाम घोषित ही नहीं किया गया, जबकि दिव्यांगों के कुल 309 पदों में 188 पदों को खाली छोड़ दिया गया है। यूपी ट्रिपल एससी के इस भेदभावपूर्ण रवैये से ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड कैटेगरी के अभ्यर्थी हाहत है। वहीं पीड़ित दिव्यांग अभ्यर्थियों ने कहा कि यूपी लेखपाल भर्ती 2022 में दिव्यांगता की श्रेणी ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड अभ्यर्थियों को त्रुटिपूर्ण शासनादेश के कारण अंतिम परिणाम से बाहर कर दिया गया है। इस भर्ती में हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार से दिव्यांगों में भारी रोष और निराशा व्याप्त है। पीड़ित दिव्यांगों ने सरकार से सवाल किया है कि यदि हम ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप दिव्यांगों को इस भर्ती में नहीं लेना था तो हमसे फॉर्म क्यों भरवाया गया, परीक्षा में शामिल क्यों नहीं किया गया, हमारे दस्तावेजों का सत्यापन क्यों कराए गए। हाथ पैर से दिव्यांग कैटेगरी के इन दिव्यांगों के सवालों का जवाब ना तो आयोग के लोग दे पा रहे हैं और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार। नमस्कार सर, हम लोग सर 1 जनवरी 2024 से धरना बैठे हैं सर। 7 महीने हो गया सर, हम लोग कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस आश्वासन दिया जा रहा है, बीच बीच में लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आप लोग को प्रक्रिया चल रही है, फिर हम लोग की संख्या कम होती है, फिर मना कर दे रहे हैं कि अब नहीं होगा आप लोग का। अभी आप लोग कहाँ पे धरना पे गए थे जो उठा के आपको एलडी को भेज दीजिए ना, इको गाड़ी भेज? हम लोग सर मुख्यमंत्री दरबार गए थे, जनता दरबार गए थे। क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ पर? सर मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं, हम 60 बार जा चुके हमारे साथी, यहाँ भी गए, गोरखपुर गए, कहीं नहीं मुलाकात हो पाती है। उनके सचिव साहब मिलते हैं, उनको उन्होंने ज्ञापन दे रहा है तो पढ़ के तुरंत बगल में हम लोग बोले सर 4 साल से हैं, हम लोग को उसका आप बोलिए जो कहिए, हम लोग इच्छा मृत्यु के लिए तैयार हैं, हम लोग के लिए अब सब कुछ रास्ते बंद हो गए हैं। 4 साल में हम लोगों ने अपने घर परिवार सब जगह हमने बोल दिया है कि हमने अब अंतिम, अब इसके बाद कोई फार्म कोई कुछ हम लोगों ने भरा है। तो कब की निकली हुई थी भर्ती? सर 2021 में पेट परीक्षा निकला, यूपी पेट, जिसको हम लोगों ने दिया सारे भाइयों ने, उसके बाद रिजल्ट आया उसमें, तो हम लोग क्वालिफाई हो गए कि आप लोग क्वालिफाई हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो अगला स्टेप लेखपाल भर्ती निकला 8085 सीट, उसमें से 3309 सीट हम दिव्यांग भाइयों के लिए आरक्षित था। 4% जो सरकारी नियम है, 4% दिव्यांग के लिए आरक्षण रहेगा, 309 सीट हमारी निकली। उसके बाद सर हम लोगों से फिर परीक्षा लिया, फॉर्म भरवाया गया, फॉर्म में दिया गया सबको कि सारे अस्थि रोग जो हैं, हम लोग हाथ पैर वाले विकलांग हैं, सब लोग इसमें एलिजिबल हैं। फॉर्म भरा गया हम लोगों से, फिर परीक्षा लिया गया 2023 में, परीक्षा लिया गया, परीक्षा में हम लोग को रिजल्ट आया सर, उसके बाद उसमें पास दिखाया गया कि आप लोग पास हैं परीक्षा में, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंतिम स्टेप है। तो सबके घर में सब खुशियाँ हो गई, सब घर से अपने कोई माँ बाप हैं सबके चेहरे पर एक चलो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मीन्स अब सर वही डॉक्यूमेंट मिलान करना है, बच्चे का हमारा हो गया है, कम से कम जीवन बन जाएगा। फिर हम लोग सब लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, अलग अलग डेट में था, वहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी ने जबरदस्ती हम लोगों से एक कागज़ पर साइन करवाया जिस पर लिखा था कि अगर हमारी नियुक्ति होती है तो उसकी जिम्मेदार, अगर नियुक्ति नहीं होती तो उसकी जिम्मेदार हम स्वयं होंगे, आयोग या सरकार नहीं रहेगी। हमने वहाँ विरोध किया तो संख्या हम लोग की कम थी क्योंकि 40-40 के बैच में होता था, तो एकाक कोई दिव्यांग बंधु एक बैच में रहता था, हम लोग मना करने की कोशिश करते थे, तो वहाँ हम लोग को कहते थे आप लोग को यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, एब्सेंट दिखा दिया जाएगा कि वो उपस्थित नहीं हुए, उनको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। हम लोग दिया, उसके बाद फिर भी विश्वास था कि नहीं ऐसी बात नहीं, सरकार तो दिव्यांगों को बहुत कर रही, मोदी जी योगी जी कर रहे हैं विकलांग नहीं अब दिव्यांग हैं, हम लोग के लिए बहुत सोच रहे हैं, जब फिर भी ऐसा तो नहीं करेगी सरकार, इतना धोखा नहीं देंगी। 30 दिसंबर से रिजल्ट आता है, हम लोग को पूरे हम सभी भाइयों को बाहर कर दिया जाता है, 188 सीट उसमें दिखाते हैं कि रिक्त है, जो हमको कैंडिडेट नहीं मिले हम अगली भर्ती के लिए इसमें इनको लेंगे, मतलब ये 188 सीट को अगली भर्ती के लिए अग्रसारित करते हैं।
तो उसी समय सर हम लोग चारों सब आए, तभी से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जहाँ जाते हैं बीजेपी कार्यालय घेराव किए, वहाँ से उठा के हम लोग यहाँ फेंक दिया जाता है। सीएम दरबार जाते हैं वहाँ से यहाँ फेंक दिया जाता है। जहाँ जाते हैं हम लोग, जहाँ कहीं पर हमारी सुनवाई नहीं है। राजस्व परिषद मार्च में ही बोल रहे थे, अनिल यादव जी हैं जो हम लेखपाल की पूरी वैकेंसी देख रहे थे भर्ती, वो बोलते थे कि इसी भर्ती में आपको लिया जाएगा जून महीने में। फिर भी हम लोग को चलो आया कि चलिए कोई अधिकारी बड़ा लेवल का बोल रहे हैं, हम लोग को विश्वास हुआ कि चलिए ठीक है, हम लोग सीधे साधे भोले लोग हैं। फिर सर जुलाई महीने में उन्होंने, जून महीने में ही उन्होंने ऐसा कहा कि अभी शासन के पास हमारा गया है, शासन से भी वापस आया नहीं है, आप लोग का अगली भर्ती में लिया जाएगा। हम लोग बोले सर चार साल हमने मेहनत किया, चार साल बीत गया, 21 से 24 हुआ, अगली भर्ती निकलेगी, फिर चार साल कब होगा क्या होगा भविष्य को कौन जानता है। आपका नंबर सब, हम जितने साथी हैं सबका नंबर रिटेन का सब कुछ आपके पास है, कंप्यूटर में फीड होगा। 188 सीट हमारी दे दीजिए, आपको मेडिकल कराना है जो मेडिकल करा लीजिए, जो हम कि हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, हाथ से लिख सकते हैं, उसमें सब बंदूक तो चलाना नहीं है, लेखपाल में थोड़ा नपैया पिया करना, कहीं आना जाना है, वो सब चीज़ सब सक्षम है। जो आज आ रहा है सर 400-500 किलोमीटर दूर से दौड़ के आ रहा है, यहाँ रह रहा है, गर्मी में चाड़े में हम लोग रहे हैं सर जनवरी महीने में, ये नीचे पेड़ के नीचे सोते थे रात में। क्या परेशानी है? आप लोग दिव्यांग हैं, काफ़ी दिन से देख रहे हैं, धरने बैठे हैं, और ये लेखपाल की भर्ती थी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, हम चंदौली जिले से बोल रहे हैं जो कि बिहार से सटा हुआ है। हम लोग लेखपाल दिव्यांग कैंडिडेट हैं और 3 जनवरी से हम लोग धरने पर चले हुए हैं, और जनवरी से लेकर के मार्च तक दिए, उसके बाद फिर आचार संहिता लगने के कारण हम लोग धरना बंद कर दिए, फिर हम लोग जून से ही धरना में पड़े हुए हैं। सर हम कहना चाहते हैं कि जब हम लोग को बाहर ही करना था तो पहले ही 2021 में ही बाहर कर दिया गया था। 2021 में पेट एग्जाम देने के बाद फाइनल में लेखपाल में हम लोग दिए, और 2022 में लेखपाल देने के बाद 2023 में डीबी वेरिफिकेशन कराए, और वहां कराने के बाद भी हम लोग को बाहर कर दिया गया। ऐसा क्यों अन्याय कर रहा है आयोग? सरकार से और माननीय योगी जी से चाहते हैं कि हमारी 188 सीटें को पूरी तरह से किसी भी दिव्यांग भाई बहन से भर दिया जाए, और नहीं तो 2-3 दिन के अंदर हम लोग कार्यालय में आग लगाएंगे और मरेंगे और मारेंगे भी, किसी भी तरह से, विधानसभा हो या दिव्यांग न्यायालय हो या आयोग हो, अब यही निश्चित है सर। आप कोर्ट गए थे इसके लिए? कोर्ट गए हैं सर, वहाँ पैसा तो बहुत दिव्यांग भाइयों का ले लिया गया है, लेकिन कोर्ट में हर जगह से कोर्ट पास ओवर हो रहा है। आयोग क्या कह रहा है, क्या सर तसल्ली दे रहा है? पहले तो आयोग तसल्ली दे रहा था कि आप लोग को ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, लेकिन जब धरना हम लोग आचार संहिता के कारण खत्म किए तो वो फिर बाद में बोलने लगे कि नहीं आप लोग अब नहीं करेंगे, अब अगली वैकेंसी में करेंगे। हम कहे जब सर इतने मेहनत से हम लोग 3 साल में पूरी प्रक्रिया करने के बाद अगर नहीं लिया गया है तो अगली वैकेंसी में हम लोग रहेंगे ही नहीं, तो हम लोग को कैसे ले लिया जाएगा? विकलांग आप ओवर एज भी होते जा रहे हैं, कुछ लोग हैं देखे ओवर एज हो रहे हैं। जी सर, अभी हमारे साथी एक गाजीपुर से हैं, वो सुसाइड कर लिया है, इसके जिम्मेदार केवल आयोग है, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं, और यही चाहते हैं कि नहीं अगर रिजल्ट हम लोग का नहीं होगा तो अब हम लोग 2-3 दिन के अंदर 29 जुलाई को विधानसभा शुरू होने वाला है, और उसी में हम लोग आत्मदाह भी करेंगे और डीजल पेट्रोल के साथ विधानसभा और राजस्व परिषद हम लोग पहुँचेंगे, चाहे इसके लिए हमें क्यों नहीं मरना पड़े। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। और भैया क्या कहना चाहते हैं आप? जी मेरा नाम राम निहाल द्विवेदी है, मैं गोंडा जिले से हूँ। मेरे एक साथी का अभिषेक नाम था उसका, अभिषेक राय, वो वहाँ गाजीपुर का रहने वाला है। वो जब ये इसका रिजल्ट आया लेखपाल का फाइनल रिजल्ट, उसमें दिसंबर में 30 दिसंबर को, तो उसने आत्महत्या कर लिया जब उसका रिजल्ट नहीं हुआ इसमें। और ये राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं अनिल यादव सर, तो अनिल यादव सर हमको आश्वासन दे करके वहाँ से बाहर कर देते हैं कि आपका होगा होगा, लेकिन मार्च के बाद जब हम लोग धरना बंद कर दिए, उसके बाद से जब इधर हम लोग जाते हैं, आप जाते हैं, तो कहते हैं नेक्स्ट भर्ती में आपको लिया जाएगा, अगली भर्ती में आपको लिया जाएगा। और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सूरमणि वर्मा है, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। तो लेखपाल की आरोग्य विकलांग की भर्ती थी, इसमें इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें विकलांग की भर्ती जो थी, इसमें हम लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उस समय एक बार यहाँ घेराव, मतलब काफ़ी दिव्यांग आए थे, जब स्टेटमेंट वो साइन करा रहे थे तो उसमें मुख्यमंत्री जी बोले थे कि दिव्यांगों को मौका देकर उनकी सीटों का अदर सीटें भरी जाएंगी, लेकिन जब 31 दिसंबर को रिजल्ट फाइनल आता है तो उसमें हम लोग को बाहर कर दिया गया। तो बाहर करने के बाद हम लोग 1 जनवरी से यहाँ धरने पे आए, तो आने के बाद यहाँ हम लोग दिव्यांग न्यायालय में केस किए। केस करने के बाद वहाँ दिव्यांग न्यायालय से अच्छा रिजल्ट दे रहे थे, रिजल्ट देने के बाद ये यहाँ के राजस्व परिषद के सचिव जो थे अनिल यादव अनुभागचार के,
उन्होंने कहे कि आपको इसी वैकेंसी में अब रखा जाएगा। लेकिन जब हम लोग मतलब आश्वासन दे दिया गया कि यहाँ धरना जब मतलब आचार संहिता लगने वाले था, जैसे हम लोग धरना यहाँ ख़त्म किए, तुरंत ही बाद मतलब दिव्यांग न्यायालय से तुरंत केस हम लोग को खारिज कर दिया गया। और केस खारिज ही करते वहाँ से सचिव उसके बाद कहने लगे कि अब आप लोग का इस वैकेंसी में नहीं होगा। आप इस धरने बैठे, कोई प्रशासनिक अधिकारी आपको पूछने आया? नहीं, कोई नहीं आता है। कुछ आश्वासन मिला, कोई पानी यानी कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। हम धरने पर बैठे हैं, 7 महीना बीत गया, बीच में आचार संहिता लगा था, हम लोग खाली करके गए, उसी में हमारा केस खारिज कर दिया गया। मतलब कि अभी जब आप दोबारा धरने पे, तो कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया? कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। हम लोग कई बार जनता दरबार में भी मिलने गए, वहाँ के सचिव हम लोग से लेटर वहीं ले लेते हैं और आगे दरबार में मिलने नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि आपका जाइए, कार्रवाई होगा। मतलब यही बार बार कर दिए हम लोग, वहाँ कम से कम 60 बार जा चुके हैं जब से 7 महीने के अंदर में। आप लोग अलग अलग जनपद से हैं? हाँ, सब यहाँ यूपी के अलग अलग, हाँ सभी दिव्यांग हैं, अलग अलग हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।